अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे सिंध के अंदर बैलों के ज़रिए कैसे हल चलाया जाता है। दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये सिंध के अंदर बैलों से हल चलाया जाता है जो कदीम ज़माने से चला आ रहा है। सिंध के काफ़ी इलाकों में अभी भी बैलों पे हल चलाया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों कदीम ज़माने से बैलों के ज़रिए ज़मीनों पे हल चलाया जाता था। अभी भी कुछ सिंध के इलाके हैं जहाँ पे ये बैलों से काम लेते हैं, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हल। जबरदस्त बेल है, देख सकते हैं इनकी मदद से जमीन पे हल चलाया जाता है। मगर कुछ इलाकों में अब अभी तक बैलों की मदद से हल चलाया जाता है, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं आप, दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त ये हाल है, बेलों की मदद से चलाया जाता है। अभी भी छोटे छोटे जमींदार ट्रैक्टर से ज्यादा बेलों से ही काम लेना पसंद करते हैं जो फायदेमंद है। किसानों का कहना है फायदेमंद है। माशाल्लाह जबरदस्त, दोस्तों ये देख सकते हैं ये बेलों की मदद से जमीन को लेवल किया जाता है। इसको सिंधी में सांवर भी बोलते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से जमीन को लेवल।
आज तक कुछ इलाकों में बैलों की मदद से काम किया जाता है और किसान हजरात का यही कहना है ट्रैक्टर से ज़्यादा बैलों पर हल चलाना या लेवल करना बेहतर होता है। सिंध के अक्सर इलाकों में आज भी बैलों पे काम किया जाता है, देख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।